तो दोस्तों देखिए, एकदम रास्ता खराब है, देख रहे हैं ना, फैक्ट्री में जाने के लिए रास्ता एकदम खराब है। ये प्रयास कर रहे हैं निकालने के लिए, बाबू भी है। देख रहे हैं कितना कचरा है, धीरे धीरे लेके आइए, धीरे धीरे, देखिए स्लिप कर रहा है बाबू, देखिए देखिए, धीरे 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 दोस्तों, गिरते गिरते बच्चे हैं ससुराल में, समझिए कि इतना बड़ा गड्ढा है। देखिए ये गिरते गिरते बच्चे हैं ससुराल में, इनका इज्जत जाते जाते बच्चा है। हेलो दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कल का मैं आई थी अपने मायके और जा रही हूँ आज अपने घर, फिर यहाँ आके रात भर हम लोग रुके थे। और देखिए बाबू है, आगे बैठा है रुमाल बांध के। दोस्तों को बाय बाय नहीं करेंगे, बाय मतलब हेलो दोस्तों। तो ये देखिए, अब हम लोग निकल रहे हैं घर पे, कल का आए हैं यहाँ पे बाबू के मामा घर, बाबू मामा घर आया था। यहाँ पे देख लीजिए, इसका लुक देख रहे हैं ना, इतना घाम पड़ रहा है कि घाम के चक्कर घाम के चक्कर में समझिए कि बाबू को टोपी लाए थे हम लोग, लेकिन टोपी नहीं पहन रहा है, नहीं बैग में पीछे बना गया है, बना गया है। टोपी से केवल सर ढकता है, ये देखिए रुमाल को भी हम लोग पूरा इसका बना दिए, क्या कहते हैं, ढकने वाला। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चल रहे हैं घर के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे रास्ते में पड़े गए, अभी जा रहे हैं देवरिया, फिर आप लोग देवरिया का वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल में अभी हम लोग दिखा रहे हैं आप यहाँ पे फैक्ट्री में, चलिए आगे हमारे गांव, देखिए एक फैक्ट्री है उसमें दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों देखिए, एकदम रास्ता खराब है, देख रहे हैं ना, फैक्ट्री में जाने के लिए रास्ता एकदम खराब है, प्रयास कर रहे हैं निकालने के लिए, बाबू भी है। देख रहे हैं कितना कचरा है, धीरे धीरे लेके आइए, धीरे धीरे, देखिए स्लिप कर रहा है बाबू, देखिए देखिए, धीरे 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 धीरे, वाह निकल गया, निकल गया, देखिए देखिए दोस्तों कितना रास्ता खराब है, गढ़ा गुढ़ी देख रहे हैं ना। देखिए अब गए लोग रोड पे, रोड भी पूरा टूट गया है। हाँ तो देखिए आ गए हम लोग रोड पे, और देखिए गाड़ी आ रहा है, बाबू गिरे नहीं ना, इधर देखो, ए बाबू इधर देखो, ए बेटा गाड़ी आ रहा है, गाड़ी गिरा नहीं ना, बाकी गाड़ी। दोस्तों देखिए आप लोगों को पीछे से पीछे के कैमरे से दिखा रही हूँ मैं, ये जो घर है ना, इसके बगल में देख रहे हैं, इसके बगल में जो खेत दिख रहा है ना, वही मेरा खेत है, जो खाली पड़ा है ना वही है मेरा खेत। तो देखिए एक जेई साहब हैं, उनका एक घर है, और जो बाउंड्री देख रहे हैं इसके अंदर सब फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, और इधर भी सब सरकारी ज़मीन है, ज़मीन का मतलब सब हम ही लोग के गांव का खेत है, ये जो अगहनी का खेत बोलता था वही खेत है, लेकिन सरकार ने खरीद लिया है, और यहाँ सब फैक्ट्री वगैरह कई चीज़ का, अब तो मैं यहाँ पर उतना रहती नहीं हूँ, मगर कई चीज़ों का यहाँ फैक्ट्री बना है दोस्तों। गिरते गिरते बच्चे हैं ससुराल में, समझिए कि इतना बड़ा गड्ढा है। देखिए ये गिरते गिरते बच्चे हैं ससुराल में, इनका इज्जत जाते जाते बच्चा है, पड़ गए थे, फंस गए थे, देखिए गाड़ी आ रहा है बाबू, बाबू बाबू तो आगे बैठ रहा है तो केवल गाड़ी ही देख रहा है, गाड़ी आ रहा है, देखिए उधर से आ रहा है ट्रैक्टर, तो वही देख रहा है, ठीक है देखिए, बाय बाय, देख रहे हैं ये रोड के किनारे किनारे खोन के, और उसमें पाए पड़ रहा है, क्या हो हाँ खाली है जा भाई, हेला लेबे तो चल, पूरा रास्ता सही बा, हाँ ढेर नहीं के गड़ा, सही बा, आगे तो सब सही है, चल जाके लोकेशन पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, दिक्कत है तो कौन बोला लिया, दिक्कत तो बहुत है, रास्ता खराब है, लेकिन कह रहे हैं चला जाए, ये हम लोग तो यहाँ पर आते नहीं है, लेकिन ये बता दिए जाइए निकल जाएगा, लेकिन लेकर फंसे निकाल ये गिरते गिरते बचे हैं तो उसको भी गिराएंगे, नहीं गिराएंगे नहीं, वो निकालेगा, मान लिया हम लोग दो पहिए का है, चार पहिए का है, निकाल नहीं लेगा, देखिए वो नाचा तो ये चक, देखिए कैसे झोल मार रहा है उसी गड़ा में, देख रहे हैं, देखिए चला अभी वीडियो बना दे बेटा, मुझे फंसा के, तो देखिए अबे साईं बाबा तो रुके बा,
देख रहे हैं दोस्तों, देखिए देखिए, अब देखिए निकाल रहे हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, इनके खेत के पास गड्ढा है, देख रहे हैं ना, उसी में ये फंस गए सब गाड़ियाँ। गड्ढा है तो हमारे खेत में नहीं, हमारे खेत के मेड़ के बगल में है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा फैक्ट्री देख रही है, देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए सारी मकान बना, पता नहीं किस किस चीज़ का फैक्ट्री बना, अब हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ पर तो रहते तो हैं नहीं, एक रात के लिए आए हैं, तो हमको क्या मालूम, अभी इसमें घूमे, देखिए वहाँ देवी माई का मंदिर है, देख रहे हैं थोड़ा सा दिख रहा है, यहीं पर देखिए जो उधर का घर है नहीं क्या, मौसी का फैक्ट्री है, जाएंगे मिलने जी अपने मौसी से, जाएंगे मिलने, मिलने चलेंगे तो लेट ही नहीं, लेट होगा, चलिए देखिए यहाँ साईं बाबा, जय हो साईं बाबा गोरा, यहाँ देखिए। हेलो दोस्तों, तो देख लीजिए यही पे बहुत धूप लग रहा है दोस्तों, मंदिर देखिए घाम भी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बाबू भी एकदम परेशान हो रहा है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे ये बैठे हैं श्रीमती रीता जी, बहुत धूप लग रहा है, तो इनके छाए लेकिन मेरे बाबू को बहुत आगे धूप रहा है, अब जा रहे हैं उसको बीच में बैठाने, यहाँ पे देखिए ये साईं भगवान का मंदिर है, यहीं पे भागे बगल में, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, फैक्ट्री में तो लाइट भी दिखा रहे हैं, मुर्गी दाना फैक्ट्री, देखिए मुर्गी दाना का फैक्ट्री है, देख रहे हैं ये मुर्गी, देखिए यहाँ पर झंडा भी लगा चल रहा है, झंडा तो सब जगह जब लगा है तो दिखेगा ये, देखिए इधर डेयरी वाला है, डेयरी वाला मतलब दूध का ये फैक्ट्री है, ये दूध वाला नहीं है, यही है, यही है, हम मन हम पहले आए थे इसी रास्ते से गए थे, तो बाबू बता रहा था यही है, और यहाँ पे देखिए सूजी वाला फैक्ट्री, क्या चीज़ का, सूजी का है, देखिए दोस्तों ये सूजी का फैक्ट्री है, देख रहे हैं बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, अभी तो हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ रोड पकड़ के जा रहे हैं, जब इसमें घूमेंगे बहुत दूर तक है, उधर उत्तरा बाजार के पास तक ले है इधर, इधर मतलब उधर बढ़िया चौराहा तक ले है, बहुत दूर तक है दोस्तों, और वो जो बड़ा खम्भा दिख रहा है ना वो शराब फैक्ट्री है, वो जो बड़ा खम्भा दिख रहा है ना वो शराब की फैक्ट्री, उस चौराहे के रास्ते हम लोग गए होते ना तो आप लोग को दिखाए होते, उधर इतना बड़ा शराब का फैक्ट्री बना है दोस्तों कि क्या बताया, अब यहाँ के सभी लोग पियक्कड़ हो जाएंगे, देखिए इधर दुर्गा जी का पंडाल लगा है, ये लग रहा है मूर्ति नहीं रखाया है क्या, देखिए दोस्तों पता नहीं किस चीज़ का फैक्ट्री वो लगा है, उतना बड़ा पाइप खम्भा नहीं है, उसमें धुआं निकल, पता ना उसमें क्या बन रहा है, क्या बन रहा है जी, यहाँ सेवई भी बन रहा है, सेवई का भी फैक्ट्री खुला है, क्योंकि उसी में से मतलब बाबू लोग ले गए हैं तो हमको थोड़ा मिला है, तो हम ले कर जा रहे हैं अपने घर, ले कर जाएंगे और उसका सेवई बनाएंगे दोस्तों, देखिए सारी की सारी फैक्ट्रियाँ हैं, देख रहे हैं दोस्तों, देखिए चारों तरफ से घुमा के दिखा दिए फैक्ट्री आपने, वीडियो में गड़बड़ भी दिखेगा तो देख लीजिएगा, इसलिए गाड़ी पर बैठी हूँ, इतना धूप है कि दिख नहीं रहा है, देखिए आगे की तरफ रोड दिख रहा है, तो दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना, ठीक ही रहना चाहिए आप लोग को भी, आप लोग भी ठीक रहेंगे तो हम लोग भी ठीक रहेंगे, और देखिए इधर गोदाम है, यहाँ देखिए बिजली वाला हैडिल है, देख रहे हैं दोस्तों, और ये रास्ता देखिए दोस्तों, ये रास्ता देख रहे हैं ना, बंद हो गया रास्ता, देख रहे हैं दोस्तों, इसी रास्ते से हम लोग आते थे यहाँ पे गाड़ी पकड़ने के लिए, देखिए हैडिल है हमारे यहाँ का, देख रहे हैं, देखिए ये हैडिल है, और देखिए यहाँ
ये जो दिख रहा है ना रेड कलर में, ये इंग्लिश मीडियम यहाँ का स्कूल है। जैसे ये लोग जो बाहर के सब लोग नहीं होते हैं आके, मैंने दूसरे देश से आके यहाँ पर मतलब स्कूल खोले हैं, लोग पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। देखिए हमारे भी भतीजा भतीजी इसी में पहले छोटे थे पढ़ते थे, अब वो लोग देवरिया पढ़ रहे हैं। और देखिए दोस्तों इधर आप लोगों को गोदाम यहाँ का दिख रहा है, देखिए बहुत सारे यहाँ चीज़ हैं। हम लोग को रुकना होता है यहाँ तो रुक के आप लोग को दिखाते दिखाते पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, तो भी मतलब ख़त्म नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा में है ये सब। ठीक है दोस्तों देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ का गोदाम, ठीक है इसमें अनाज पानी सब यहाँ पर रखाता है। और इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड हम लोग का ज़मीन लिया गया है, 12 कट्ठा हम लोग का यहीं पर ज़मीन है। और देखिए गोदाम साइड में हम लोग, एक तरफ फैक्ट्री है एक तरफ नहीं, इसमें इस तरफ पुराना नाला है तो इसीलिए इधर अभी मकान का नहीं बना है। और देखिए दोस्तों हम लोग यहीं से अपने गांव जाते हैं, देख रहे हैं ये रोड देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए यहीं से हम लोग अपने गांव जाते हैं। गांव जाने के लिए 3 रोड है, एक जो फैक्ट्री पकड़ के आए हम लोग ये रोड है, एक ये रोड है, एक और आगे से है, 3 रोड से हम लोग, 3 रोड है हम लोग के गाँव जाने के लिए। और देखिए सब मतलब जो देख रहे हैं ना ये झाड़ी झुड़ी सब, इसके अंदर ना मतलब पुराना नाला है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, अभी आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पुल दिख रहा है ना, देवरिया का सारा कचरा यही फेंका है। और देखिए देवरिया का जितना कचरा ना पहले उधर फेंकाता था, क्या था ओवर ब्रिज में ना, हाँ उधर फेंकाता था, अब देवरिया का पूरा कचरा ले आ लिया। देखिए दोस्तों इधर, और फिर देखिए इधर देख रहे हैं ना, पानी देख रहे हैं ना, यही देखिए पुराना नाला है हम लोग के यहाँ का। इधर भी देख लीजिए, देखिए कोना नाला, और ये देखिए दोस्तों जो शराब फैक्ट्री बना है ना उसका पानी अब इसी में आएगा आएगा इधर बन गया है। अभी इधर पता नहीं किधरिया पेपर मिल बना है, उसका भी पानी आ रहा था, इतना बदबू इधर आ रहा था, इतना मच्छर दो तभी से इतना मच्छर इधर लग रहा है ना कि दोस्तों चाहे कि हम यहाँ 5 मिनट बैठ जाए आराम से, तो यहाँ मच्छर बैठने नहीं देते, इतना मच्छर लगते हैं दोस्तों हम लोग के गाँव, इतना मच्छर लगते हैं इस दिन में हम लोग गाँव के यहाँ, लेकिन एक दो लगते हैं। देखिए हनुमान जी का मंदिर है और इधर दुर्गा जी का मंदिर है, दोनों लोगों को प्रणाम करती हूँ मैं अपने परिवार की तरफ से। ये देखिए हमारे गांव का सरौरा चौराहा देख रहे हैं दोस्तों, देखिए देख रहे हैं पुल की गिर के छत पर जाके अट गया है, देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए ये तो गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर मैं आप लोग से बता रहे हैं कि गाड़ी चला रहे थे तो ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे, इसीलिए देखिए वॉगिंग तो करना पड़ रहा है, और ख़राब होगा ब्लॉगिंग तो डांट भी इनसे सुनना पड़ेगा हमको। बताइए ये फोटोग्राफर है ब्लॉगिंग करते हैं तो इन्हीं को ना आएगा अच्छे से, हमको तो आएगा नहीं, हम तो जो घर में काम करते हैं वही ना हमको अच्छे से आएगा।